मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा इस मुबारक मौके पर कि लोकतंत्र में हमेशा 5 साल बाद में जनता के बीच आना ही पड़ता है, चाहे नेता कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे किसी भी पद पे चला जाए। अगर उसको वापस अपना भविष्य इस क्षेत्र में देखना है, अपने लक को आजमाना है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को, प्रत्येक गांव में, कस्बे में, वार्ड में, मोहल्ले में उसको जाना पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि 5 सालों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कसर छोड़ी नहीं है। जाते जाते भी हम कुचामन सिटी को जिला बना के जाते हैं। जो लोग ये सोचते थे कि किसी को पंचायत बना दें या कहीं पटवार मंडल खोल दें, वो बातें पुरानी हो गई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जिला बनाने में भी झिझक नहीं रही है। तो ये काम इच्छा शक्ति से, जनता की जो भावना होती है उसके हिसाब से होते हैं, और उसको करने वाले के लिए भी जिगरा चाहिए होता है। और इस बार हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस इंसान ने राजस्थान में जन्म ले लिया, उसका भरण पोषण, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब हमने ये कह दिया कि हमारे खाते में है सरकार। अगर अभी भी किसी को ये लगता है कि कहीं कोई और कसर रह गई, तो बता देना, अभी तो सीएम साहब से बात करके 2-4 दिन में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल गई, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिल रहा है, ऐसी कितनी योजनाएं बताऊंगा। तो कोई कारण नहीं है कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देने का, मेरे ख्याल से। अब कोई किसी के मन में ही नहीं है और किसी को जबरदस्ती किसी का पूंछ पकड़ के रखना है, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल से लोकतंत्र में जनता वोट इसलिए करती है कि हमारा जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार हमारे यहाँ भाईचारा रखे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखे, विकास के काम करवाए, और जाए तो हमसे अच्छे से मिलने, उनका दफ्तर हो जहाँ हम लोग हमारी शिकायत लेकर जाए तो कम से कम कोई सुनने वाला हो। केवल मात्र इसीलिए लोकतंत्र में व्यक्ति को वोट दिया जाता है। और इस सरकार में मुझे नहीं लगता कहीं इन सब बातों में कहीं किसी को कोई लगा हो कि भाई कांग्रेस की सरकार में, शासन में अच्छा काम नहीं हुआ, सब लोगों को साथ लेकर नहीं चले। तो हमारी सरकार ने 2.5 साल काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, ऐसे काम हमारी सरकार ने इस बार किए हैं। और साथियों, सारे सर्वे रिपोर्ट सब चीज़ें इस बात को दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में तो ये तय नहीं हो रहा कि दूल्हा कौन। वहाँ भी 10-10 लोगों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि रोजाना लोग देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री की जोधपुर आएंगे, देखेंगे बगल वाली सीट पर किसको बिठाते हैं तो रामनवमी करेंगे कि नहीं करेंगे। इससे भी लोग कयास लगा रहे हैं। और गांव में लोगों ने मन बना लिया है कि भैया इस बार तो कांग्रेस पार्टी को वापस लेकर आएंगे, किसी भी शर्त पर इस बार कांग्रेस पार्टी को लेकर आएंगे, ताकि हमारे जीवन को एक सुविधाजनक जो हमारी स्कीम उपलब्ध करवाई है,